इवन 1 आवर, मतलब 1 आवर भी नहीं, आधे घंटे में निकलना है। और अभी कॉफ़ी पी करके अपने आप को पहले स्टेबल करो, उसके बाद तैयार होके निकलना है एयरपोर्ट के लिए। नो बाय नॉट कार, इधर से गेट बंद है। गाड़ी से नहीं, ना ही ट्रेन से, आज फ्लाइट से जाना है क्योंकि थोड़ा जल्दी काम है उधर दिल्ली में, इसीलिए फ्लाइट चलना है। थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ इस बार क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं 17 तारीख से और आज है 24, इसीलिए जाना पड़ रहा है। कोई नहीं, 1-2 महीने बाद वापस आऊँगा, आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ की रोड कंडीशन अच्छी हो गई, जब मन चाहे तब आ सकते हो आप। रोल मतलब अभी गाड़ी से बनारस तक जाना है, फिर जाना हो दूसरी गाड़ी भी आएगी पीछे, वो बाहर मऊ में खड़ी हो जाएगी। निकली, चलो दोनों गाड़ियाँ जाएंगी, और दो एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी मऊ में, एक गाड़ी जाएगी बनारस। बहुत अजीब लगता है यार जब गांव छोड़ के जाओ ना, बट कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा आएंगे और थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक के जाएंगे कि यार यहाँ की बात अलग है। यहाँ पे जो फ्रेशनेस, यहाँ पे जो रिलीफ मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलने वाला। वो चाहे मैं मनाली चला जाऊँ, हिमाचल चला जाऊँ, ऋषिकेश, जो होम टाउन है वो होम टाउन है, जो अपनापन है वो अपनापन है। बिकॉज यहाँ पे व्हीकल ज़्यादा हैं या फिर यहाँ पे हम लोग दबंग ही ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट जो होमली फीलिंग है ना वो नहीं बता सकता है। अभी वहाँ दिल्ली जाऊँगा साला, ऐसा लगेगा कॉम्पैक्ट जगह है, खुला एरिया है ही नहीं, और फिर वहाँ पे लोग भी वैसे हैं। यहाँ पे क्या है कि बाहर निकलो तो दुआ सलाम सब होती है सबसे, लेकिन वहाँ पे जो है किसी को किसी से मतलब ही नहीं, और सब अपनी लाइफ की रेस में लगे हुए हैं। यहाँ पे आके पता चलता है कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी भी है, बट घर गृहस्थी और सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे लोग कल्चर से जुड़े हुए हैं अपने, और आपसदारी और सोसाइटी को काफ़ी मानते हैं। मतलब यहाँ पे जो लोगों का कोई भी कदम होता है, यानी कोई भी अगर कोई शादी भी करता है तो फिर वो समाज को मद्देनजर रखते हुए करता है, यानी कि भाई समाज में कैसे उठना है, समाज में कैसे बैठना है। मतलब हाँ, हर जगह का अपना अलग कल्चर है, हर गांव का अपना अलग कल्चर है, ये हमारे यहाँ का है। धाम याद है ना, ये बहुत चेंज हो गया पहले से। मतलब फादर साहब ने यहाँ लग लगा के जैसे तैसे काम करा ही दिया सारा, बहुत चेंज हो गया पहले से। इसको किसी दिन विस्तार से दिखाएंगे, अभी तो चल रहा है। गाड़ी यहाँ पार्क हो चुकी है, अगर आपको दिख रही हो तो, यहाँ पीछे पार्क हो चुकी है। राहुल भैया आ रहे हैं और फिर हम चलेंगे बनारस की ओर। राहुल भैया हमें छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी इनकी नींद खुली नहीं है, अभी ये होश में नहीं है, अभी इनको होश में आ जाना तो फिर इनको गाड़ी के लिए हम बैठाएंगे कैंडिडेट को। लेकिन ये ऐसे कैंडिडेट है कि साला नींद में भी पहुंचा दे। क्यों, अभी बज रहे हैं 8 और इन सर का कहना है कि हम टाइम पर हैं अभी, और मेरी फ्लाइट है 11 बजे की। तो अगर क्रोनोलॉजिकली लॉजिकली देखा जाए तो हमें पहुंचना चाहिए था 9:30 बजे तक, बराबर एकदम परफेक्ट 9:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 1.5 घंटे में सर, 2-2.5 घंटा तो एवरेज लगता है वहां जाने में, आप 1.5 घंटे में कैसे पहुंचा दोगे? अभी रास्ता पूरा खाली मिलेगा, वो तो है ही। मैं तो नहीं, लेकिन मैं चाचा के टाइम पे गया था तो मतलब तो भी तो इतने ही 2 घंटे में पहुंचा था मैं। रास्ता खाली ना हो, एक एवरेज टाइम तो लगेगा ही लगेगा भाई, 130 किलोमीटर है, कुछ होता है 130 किलोमीटर 130 मिनट। हाँ तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे बनारस? बिल्कुल, चलो देखते हैं कैसा रहता है। मेरे को तो लग रहा है कि हम शेड्यूल में टाइट है कि नहीं। चलो रास्ते के बीच में देखो भाई, कितना भी कैंडी होंदी सी बजा लो, ठीक है, दिल तेरा जब टूटेगा तो पता लगा लो, बजा लो। लेकिन जो सुबह सुबह का टाइम है वो साईं बाबा के लिए, क्या बात है। फ्यूलिंग ब्रेक, फ्यूल भरवा ले फिर निकलते हैं। अभी यहाँ से बनारस 77 किलोमीटर नहीं, 77 नहीं, अभी यहाँ से 60-50 किलोमीटर और है, ज्यादा नहीं है के मुकाबले। मतलब पहले तो ऐसे घटिया रास्ते हुआ करते थे ना, 1-1 घंटा तक खड़ंजे पे खड़ 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 खड़, 4 घंटा कहीं नहीं गया आपने, और अब हार्डली 2-2.5 घंटे लगते हैं मैक्स। इतनी बढ़िया रोड हो गई है ना, मतलब अब हम तो यहाँ पे रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या ग्रोथ हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, मतलब रोड्स की कंस्ट्रक्शन। हमें दिल्ली से आने में पहले लगता था 12-13 घंटे, और अब ऑलमोस्ट वही चीज़ सेम 10 घंटे हो गई है, 8 घंटे हो गई है, बट वही है अभी उस टाइम को और कम किया जा रहा है। दिल्ली से एक डायरेक्ट हाईवे और बन रहा है सीधा लखनऊ का, जो आगरा जाना पड़ता है वो आगरा नहीं जाना पड़ेगा, मतलब
भाई उत्तर प्रदेश को हमने, अगर अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ का हमने देखा है क्योंकि बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, पता है मतलब और भी लोगों ने देखा, बट फिर भी टी ब्रेक राहुल भैया सुधौना यहाँ पे फेमस, यहाँ का क्या है दही बड़े, अरे छोले, छोले मतलब चाट जो है यहाँ के, चाट बहुत मशहूर है निकलने का, ये यहाँ पे बनाया लोगों ने, बट फिलहाल अभी हम लोग चाय पियेंगे, चाट वगैरह नहीं खाएंगे। दही बड़े, ये क्या छोले, छोले जलेबी अच्छा है, Give me or not, $1 million चाय, सही में टेस्ट आ रहा है इसका। अच्छा चलते हैं, आप गाड़ी अपनी उधर खड़ी है, डिजायर के पीछे दिख रही होगी, अभी चलते हैं, अभी आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ। किसी के नाम को ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए, मगर आप लोग को दिख रहा है वो क्या लिखा है, मतलब अभी मैं उसको कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, उस नाम को कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, कमेंट में बताना आप लोगों ने क्या पढ़ा, मैं ट को ढ पढ़ रहा हूँ। उसका नाम क्या था, किसका, ये पार्ट मुझे वो करना पड़ेगा बीप, सब लोग देखते हैं ना भाई, वो पता नहीं क्या लिखा, लोड टू लिखा है वो मेरे ख्याल, उसका नाम होगा भाई उसके दादा परदादा ने रखा होगा, हो सकता है, हो सकता है माँ बाप ने रखा होगा लोड, हो सकता है, हो सकता नहीं है, सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे यादव छेरा वाले, ए भगवान क्या करते हैं लोग, क्यों लिखवाते हैं बड़ा बड़ा और हमें मिल जाते हैं, है जानते हैं जब ब्लॉगर बोल का जमाना है, है अगर वीडियो बनाती किसी ने ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, जो नाम है उसका है क्या छेरा वाले। चलो अगर आप लोग कभी भी बनारस जाओगे और सिधौना में रुकोगे तो आपको ये जगह दिख जाएगी अपने आप, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, क्या लिखा है राहुल भैया, फेमस है लोड़ो। देखो भाई हाईवे का अपना अलग मजा है और ये जो पेड़ से कवर ट्रीज होते हैं, अरे रोड्स होती है ना, इनका अपना अलग मजा है, और फाटक भी खुला आज तो क्या बात है, इसमें आराम से देखा नहीं, गलती से वरना मैं इतनी कुदाता नहीं गाड़ी, गलती से एक एक फटक और है ना, हमने कन्वेंशनल रोड नहीं लिया, मतलब कन्वेंशनल इन द सेंस कि जो हाईवे जा रहा है एयरपोर्ट के लिए जो प्रॉपर बना हुआ है वो थोड़ा आगे से घुमा के है, और ये चौबेपुर होते हुए जाता है, अंदर से आ रहा है, फोन आ रहा है, हाँ तो ये जो रोड है ये अंदर से होते हुए जाती है और पास में जल्दी से पहुंचा देती है, बस किस्मत की बात है कि अगर आपको फाटक बंद मिल गए, कभी कभार ऐसा होता है ट्रेन ये पे खड़ी हो जाती है तब आप लेट हो सकते हो, तो इससे इससे बढ़िया वही आउटर रिंग रोड रहती है, बट कोई नहीं, कर्मी होगी ऑलवेज बी द फर्स्ट। रिकमेंडेशन पर मैंने ये वाली रोड तो ले ली थी, मगर फ्लाइट मेरी 11:15 की है और अभी टाइम हो रहा है 10:13 और फाटक बंद है, देखते हैं आज हम फ्लाइट पकड़ पाएंगे कि नहीं, खुला नहीं है, 10:04 हो रहे हैं, 11:15 की फ्लाइट अपनी, हाँ एयरपोर्ट बस यहीं पर है, बट ये फाटक जो है ना टाइम लेता है, लेकिन ये जो लोग बाइक से करते हैं ना कि फाटक के नीचे से चले जाते हैं, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस, क्योंकि जो बीच वाले ट्रैक्स हैं लेफ्ट और राइट वाले का तो पता होता है, बीच वाले ट्रैक पे कब ट्रेन पास हो जाए ना कुछ आइडिया नहीं होता, तो बहुत बहुत ही नॉनसेंस चीज़ है जो भी होता है। सल्यूट, चलो एक्सीडेंट ना हो जाए, चलो बाय। वो लैपटॉप बैग मैंने निकाल के ट्रेन में नहीं रखा तो थोड़ी चेकिंग हो गई, पास मिल गया है, बट अब ये पता नहीं कि सीट आयल वाली है कि नहीं, तो अभी मैं लेट हो चुका हूँ, 10:30 होने 11:15 की फ्लाइट है, लास्ट कॉल थी गो फेस्टिवल के लिए, प्लेन वो खड़ा यहाँ से जाना है, वी मेड इट, मिल गई फ्लाइट, गेट्स क्लोज हो चुके थे फिर भी उन्होंने कोऑपरेट किया, बोर्डिंग पास मेरे को दे दिया, इसीलिए मैंने कोई वो चेक इन वगैरह करते हुए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि फटाफट उन्होंने मेरे को पीछे के रास्ते से भगाया और मेरी फ्लाइट में मेरे को बिठाया। सीट मिल चुकी है और एकदम इसके पास मिल गया इंजन के पास, तो बाय चांस अगर प्लेन में कुछ भी ऊपर नीचे दिक्कत होती है सबसे पहले मुझे पता चलेगा, बट ऐसी होगी नहीं फिर भी। 10:42 राहुल भैया अभी मेड इट, मतलब राहुल भैया ने बोला था कि मैं पकड़ लूँगा फ्लाइट, पकड़ लूँगा, सॉरी और आप यहां पर रहते हैं तो ट्रेन चलेगा तो
रीच्ड दिल्ली टर्मिनल 2 रीबिल्ट बेल्ट नंबर 5 पे वेट कर रहा है। हमारा बैगेज एक जो है चेक इन हुआ था तो वो अभी आ रहा है। प्लेन में अनाउंस करा था बैग नंबर 5 और जो अभी हम जिस फ्लाइट से आए हैं उसके लोग बेल्ट नंबर 6 पे खड़े हैं। कहीं मैं अकेला ही पागल तो नहीं हूँ जो उस बेल्ट पर अकेला खड़ा हूँ? हो सकता। मैंने बेल्ट नंबर 5 सुन लिया था, वो बेल्ट नंबर 6 पे आने वाला। मेरा बैग मेरे को दिख गया, आ रहा बैग आ चुका है। बोरा आ रहा, आने दो। मोनोपॉड है ना भाई? हाँ मोनोपॉड है, लगा हुआ है, सेफ है, टूटा नहीं, सही है। ये सब सामान है अपना, चलते हैं। थिंग इज कि अब मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, कैब नहीं बुक कर रहा क्योंकि कैब खामा खा 800 रुपये ले रही है घर तक के। इससे बढ़िया मेट्रो से, ज़्यादा बैग है भी नहीं, मैनेज हो जाएगा, तो थोड़ा पैसे भी बच जाएंगे और मेट्रो में भी बैठ लेंगे, क्यों? चलते चलो, पहले T3 जाना पड़ेगा, T2 से अगर आपको मेट्रो लेनी है। ये देखिए बोर्ड है ना, चलो रैपिड मेट्रो। गाइज रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। वो रैपिड मेट्रो के बाद मैंने येलो लाइन ली, येलो लाइन से रेड लाइन, उनमें कुछ दिखाने लायक था नहीं क्योंकि मुझे खुद बैठने की जगह नहीं मिली। उसके बाद फिर ई रिक्शा से घर, घर के बाद अब बैक टू बेसिक नॉर्मल लाइफ, घर पूरा खाली। यार अब नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे जो शहनशाही होती थी ना वो अलग लेवल की होती थी, बट ठीक है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब कल से कॉलेज शुरू। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो गिव दिस वीडियो लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए आपका कर्मियों की आपसे विदा लेता है और फिलहाल कल कॉलेज जाता है। पीस ना, लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था मेरा क्योंकि आते हुए मतलब जाते हुए यहाँ से, तब मैं गाड़ी से गया था, मैंने सामान तो गाड़ी में भर दिया था कि हाँ मैं आऊँगा गाड़ी से, बट लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया और मैं गाड़ी से नहीं फ्लाइट से आया। तो फिर सामान देखो मैं कैसे कैसे ठूसा है ना मैंने, वो सिर्फ मुझे ही पता है। मतलब कपड़े लमेड़ तमेड़ के रखे हुए हैं, लैपटॉप के अंदर चार्जर वार्जर इधर उधर सब, कैमरा वैमरा सब, मतलब बस आ गया जैसे ना तैसे। खैर चलो चलता हूँ।